आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं पोको X3 के बारे में। तो यहाँ पर पोको X3 एंड पोको X3 NFC के लिए जो है ऑफिशियली MIUI 13 का जो अपडेट है एंड्रॉइड 11 के साथ जो है रिलीज होने वाला है बहुत ही जल्दी। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर MIUI 13 का जो ऑफिशियल एंड्रॉइड 12 का अपडेट है पोको X3 डिवाइस के लिए बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल सेट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर रिसेंटली जो 22.2.9 का जो बिल्ट है, मतलब 9 February 2022 का जो बिल्ट हमें देने को मिला है, उसके साथ जो है पोको X3, पोको X3 का जो NFC वर्सन है, दोनों के लिए जो है एंड्रॉइड 12 का जो है इंटरनल बीटा टेस्टिंग जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर MIUI 13 के साथ ऑफिशियली एंड्रॉइड 12 का जो बिल्ड है हमें देखने को मिलेगा पोको X3 डिवाइस के लिए, जो कि काफी बढ़िया बात है। अगर आपके पास पोको X3 डिवाइस है और पोको X3 NFC डिवाइस है तो आपको बहुत ही जल्दी अपने डिवाइस के ऊपर ऑफिशियली एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है MIUI 13 के साथ देखने को मिलेगा। ना दोस्तों, बात कर लेते हैं ये जो अपडेट है कब देने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर MIUI 13 के साथ जो है एंड्रॉइड 11 का जो बिल्ड है पोको X3 डिवाइस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए डायरेक्टली जो MIUI 12 का जो अपडेट है देने को मिलेगा एंड्रॉइड 13 के साथ पोको X3 डिवाइस के ऊपर। ये जो अपडेट है लगभग 3-4 महीना जो है टेस्ट होगा, उसके बाद जो है मी पायलट यूजर्स को सबसे पहले जो अपडेट है यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, रोल आउट किया जाएगा। लगभग आपको यहाँ पर जो है 5 महीने के आसपास जो है ये जो अपडेट है मी पायलट जो यूजर्स है उसके जो है रोल आउट किया जाएगा। उसके बाद जो है स्टेबल अपडेट आने में लगभग आपको यहाँ पर जून जुलाई अगस्त के आसपास जो है टाइम हो जाएगा। नया अपडेट के साथ जो है आपको नया बग भी देने को मिलेगा, नया इशू भी देने को मिल सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, कोई भी नया अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले अच्छे से जो है उस अपडेट के बारे में जो है यहाँ पर जान लीजिएगा, उसके बाद ही उस अपडेट को इंस्टॉल करना। MIUI 13 के साथ कुछ नया ऐड नहीं किया गया है, बेसिकली आपको नया वाला जो साइड बार का फीचर है इसे ऐड किया गया है, जो कि MIUI 13 के साथ काम करेगा, जो कि ऑलरेडी MIUI 12.5 के ऊपर अवेलेबल है। नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है आपको देने को नहीं मिलेगा। जो MIUI 13 का जो विजेट्स है यहाँ पर ऐड किया गया है, बाकी जो वॉलपेपर है इसे ऐड किया गया है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इसके अलावा आपको और कोई भी नया फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर पोको X3 एंड पोको X3 NFC डिवाइस के लिए लगभग यहाँ पर जो है जून जुलाई के आसपास जो है एंड्रॉइड 12 का जो ऑफिशियल MIUI 13 का जो अपडेट है रिलीज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है पोको X3 डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है MIUI 13 के साथ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो है डायरेक्टली MIUI 13 के साथ जो है एंड्रॉइड 12 का जो है अपडेट देने को मिलेगा अपने पोको X3 डिवाइस के ऊपर, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो डेफिनेटली ये जो अपडेट है फिलहाल इंटरनल टेस्टिंग हो रहा है, यहाँ पर 22.2.9 का जो बिल्ड है इसके साथ जो है पोको X3 के ऊपर जो है एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है वो स्टार्ट हो गया है टेस्टिंग, एंड लगभग 4-5 महीना जो है टेस्ट होगा। उसके बाद जो है इस जो रॉम है मी पायलट डिवाइस के ऊपर सबसे पहले रोल आउट किया जाएगा, उसके बाद जो है स्टेबल यूजर के लिए ये जो अपडेट है रोल आउट किया जाएगा। सबसे पहले कोई भी अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले जो है मेक श्योर आप पूरा डाटा का बैकअप करके जो है अपने फोन को फैक्ट्री रिसेट करो अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद, तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। एंड आप ट्राई करके देखो MIUI 13 का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, जरूर से कमेंट करके बोल दीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबाकर और सेलेक्ट कर देना। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पोको X3 और पोको X3 NFC है उसके ऊपर जो है एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है MIUI 13 के साथ देने को मिलेगा फॉर श्योर। बाकी पहला बिल्ड में देखने को मिलता है और सेकंड बिल्ड में देखने को मिलता है, देखने वाली बात होगी, बट काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है कोई भी नया फीचर्स देने को नहीं मिलेगा, जो साइड बार का फीचर्स है वो देने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है नया वाला वॉलपेपर देने को मिलेगा, नया वाला जो फीचर्स है देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑलमोस्ट जो है MIUI 12.5 के जैसे ही होने वाला है, कुछ नया आपको यहाँ पर MIUI 13 के साथ देने को नहीं मिलता है। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।